आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिक्की रेलवे ब्लॉग पर। दोस्तों आज मैं आपको अपना आवास दिखाऊंगा, सरकारी आवास। इसको दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यह आवास अब टूटने वाला है, क्योंकि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का भी रिनोवेशन का कार्य होना है जिसके तहत आवास टूटेगा। तो मैं सोचा इसको अपने कैमरे में कैद कर लें और आपको भी दिखाएं। हमारा आवास रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। आप ये बिल्कुल स्टेशन के ठीक सामने बना हुआ है। मुझे लगता है इससे अच्छी लोकेशन अब मुझे दोबारा अपनी सर्विस के दौरान कभी मिल नहीं सकती, और मैं अपने विचारों को व्यक्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उन पर काबू नहीं पा पा रहा हूं। हमें भी काफ़ी कष्ट हो रहा है, यह सरकारी आवास अब टूटने जा रहा है। आप देख रहे हैं सामने पार्सल ऑफिस है, आप ये पार्सल ऑफिस यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1। अब ये समझिए आप कि आप जैसे ही आप आवास से निकलेंगे, ठीक मुश्किल से बमुश्किल 40 मीटर 30 मीटर की दूरी पर प्लेटफॉर्म है, और आप प्लेटफॉर्म पर जो है जा सकते हैं। ड्यूटी के दौरान आप पहुंच सकते हैं, ट्रेन पकड़ सकते हैं अपनी, और आप जो है अपने यहाँ से रहेंगे बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। ये मेरी, और आप आज चलते हैं आवास की तरफ। ये दोनों तरफ खाली जगह पड़ी हुई है, इस तरफ हालांकि हरियाली है, इसको डेकोरेट नहीं कर पाए, इसको डेकोरेट करना चाह रहे थे नहीं कर पाए। इस तरफ भी खाली जगह पड़ी हुई है, ये जगह काफी है, इस जगह का सदुपयोग हम कर सकते थे। आप अनाउंसमेंट सुन सकते हैं, रेलवे स्टेशन का अनाउंसमेंट चल रहा है, और झंडा भी आप देख रहे हैं, यह तिरंगा झंडा रेलवे स्टेशन के सामने जो है लगा हुआ है, जैसा कि प्रथा चल रही है सभी रेलवे स्टेशनों के सामने झंडा लगाना है। अब आप देखें कितना ऊंचा पेड़, यह काफ़ी ऊंचा पेड़ लगा हुआ है, काफ़ी मजबूत पेड़ है ये। पेड़ों की तो यहाँ भरमार है, इतनी भरमार है पेड़ों की कि इस तरह के आवास मुश्किल है शायद भविष्य में कभी देखने को मिले। ये ब्रिटिश कालीन आवास हुआ करते थे उस समय, ये इसको एक्चुअली अपन बोल सकते हैं बंगलो बोल सकते हैं, और यह प्रथा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अब धीरे धीरे मल्टीज बनती जाएंगी, वो बोलते ही तो वो है गैरेज है। अब आप हमारे धीरे धीरे गमले जरूर देखते रहिए जो बड़ी मेहनत से हमारी मैडम तैयार किए हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मैडम की देन है कि उन्होंने ये गमले इनकी केयर करते हुए इनको जो है तैयार किया है। ये बहुत ही अच्छा गार्डन बनाया था हम लोगों ने, इस गार्डन से अब हमें दूर जाना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में यह क्वार्टर टूट जाएगा, इसलिए मैं सोचा यादों के स्वरूप जो है यह वीडियो बना लिया जाए व दर्शकों को दिखाया जाए। ये फ्रंट एरिया है, मुझे लगता है कि आवाज़ आई, शायद बच्चे आ गए हैं स्कूल से, बच्चे आ गए हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, वीडियो बना रहे हैं हम लोग। जूते हाथ में लेके क्यों आ रहे हो आप लोग, हाय तो कर लो एक बार, वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब का। यह पूरा गार्डन सजाया हुआ है मैडम ने, घर गृहस्थी की चीज़ें रखी हुई हैं, गेहूँ सूख रहे हैं, आटा पड़ा हुआ है, और ये सब जो है गमले सब रखे हुए हैं। यह आप देख सकते, ये बच्चों के लटकने के लिए जो इधर बना दिया था, इससे जो है वो काफ़ी इंजॉय करते थे झूला। इस झूले को भी काफ़ी हम याद करेंगे, इस झूले पर जो है काफ़ी शामें हमने गुजारी हैं, बहुत भावुक जो है पल। यह तुलसी माँ का मन जो है पेड़ है, और सबसे महत्वपूर्ण आपको लेके चलते हैं हनुमान जी के मंदिर की तरफ। उसके पहले देखते हैं कि ये पेड़ है, आम का भी पेड़ है, बरगद का पेड़ है। यह मंदिर जहाँ हनुमान जी, आज चूंकि बुढ़वा मंगल है आज, तो बुढ़वा मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर है, आप दिखा सकते हैं, और बच्चे इससे झूलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। अभी चलते हैं, पहले बाहर का पोर्शन दिखा देते हैं आपको। बाहर का पोर्शन
दिखाने के बाद फिर जो है अंदर का पोर्शन दिखाएंगे। वीडियो हालांकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, लंबा हो भी जाए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को अपने बस में कर नहीं पा रहा हूँ। ये मैं अपनी भी यादों में सजो के रखूँगा, क्योंकि ऐसा आवाज़ सब दोबारा शायद ही कभी मिले हमें। बहुत ही दिल से इसको सजा करके जो है ऐसा किया था, इतना सुंदर बनाया है। अभी इसके बगल से गली जा रही है, ये मतलब फुल्ली वेंटिलेटेड है, आप देख सकते हैं। हर दरवाजा आपको घुटन महसूस नहीं होगी। पीछे आप देख रहे हैं मॉल है, मॉल यहाँ से दिखता है सीधा। डीवी मॉल है, डीडी मॉल है, क्या बोलते हैं इसको। ये मॉल सामने दिख रहा है और ये पीछे खाली जगह पड़ी हुई है। पीछे यहाँ का आपको पीछे का गेट भी दिखा देते हैं आपको। ये मॉल है, ये पीछे की गली है, इधर आप देख रहे हैं ये पीछे की गली है। इधर इधर से सीधा आप बाहर जा सकते हैं, ये गली दिख रही है आपको, इधर से रेलवे स्टेशन तरफ से बाहर जा सकते हैं। ये पीछे की गली है, यहाँ भी सभी क्वार्टर्स खाली कर दिए गए हैं, क्योंकि चूँकि सब ये टूटने हैं तो ये क्वार्टर्स सभी खाली कर दिए गए हैं। और ये सब्जी वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे सब्जी लिया करते थे हम। एक बार बस मेरी नेम प्लेट जरूर दिखा दीजिए इधर, कि जो है बड़े जतन से तैयार करवाया था ये। पूरे क्वार्टर्स खाली कर दिए गए हैं, बस ये भी क्वार्टर्स खाली होना है अभी। और अभी चलते हैं पीछे की तरफ, देखना चाहें तो पीछे वैसे थोड़ा हो सकता है गंदा पड़ा हो। ये पीछे चल रहे हैं, पीछे की तरफ चारों तरफ से बड़ा जो है वेंटिलेटेड है ये। यह पीछे की तरफ है, यह भी जगह पड़ी हुई है खाली इधर। और ये लेट बात का है, ये सर्वेंट हाउस है, क्योंकि सर्वेंट कोई है नहीं, लेकिन सर्वेंट हाउस है, अवेलेबल है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने आवास के अंदर, अंदर से आपको बताएंगे। हाँ, अब हम आवास के अंदर चलते हैं। अभी तक तो आपने देखा पूरा बाहरी पर दृश्य देखा, छोटी मोटी चीज़ें हैं सब कुछ रखा हुआ है यहाँ, देखिए आप। अभी जो वीडियो बना रहे हैं महोदय, उनको भी आपको दिखलाते हैं। ये तोमर साहब हैं और मैं आरएस राजावत। अब आवास के अंदर आपका स्वागत है। ये जगह है, ये हमारा इस तरफ तो स्टोर रूम है, आपको यह बैठक है, बैठक काफ़ी बड़ी बैठक है ये। इतनी बड़ी बैठक, इतना बड़ा रूम मैंने पहले कभी उपभोग नहीं किया, ना ही मैंने कभी देखा। हमारे घरों में भी इतनी बड़ी बैठक नहीं होती, काफ़ी स्पेस है इधर बैठक के साथ। इस तरफ ये है, दिखाया जाए कि नहीं, अटैच। ये पूजा का रूम है, पूजा का रूम भी दिखाते हैं आपको। इधर पूजा का रूम, बच्चों की पढ़ाई का, और जय हो ठाकुर जी महाराज, जय हो आशीर्वाद बना रहे। यह पूजा का मंदिर है हमारा, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित टेबल्स वगैरह, बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। अब चलते हैं इसी के साथ अपने घर के अंदर दूसरे रूम में। ये हमारी मैडम बैठी हुई हैं, मोबाइल पर बिजी हैं। और ये अंदर वाला रूम है, बेडरूम। ये बेडरूम भी आप देख सकते हैं, डबल बेड पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी कितना स्पेस है इधर, काफ़ी जगह है। मैडम नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि वो खाना खाने की बोल रही थी और मैंने खाना खाने के पहले वीडियो बनाने लगा मैं, उनको लग रही है भूख बहुत तेज, इसलिए वो नाराज़ हो रही हैं। ये भी काफ़ी स्पेसियस जगह है। और अब अंत में रसोई, इसके बाद ये पीछे देख रहे हैं आप, जैसे पीछे निकल जाते हैं यहाँ से, पीछे का रास्ता है अभी जैसे देख के आए अपन। यह आप रसोई देख सकते हैं, चारों तरफ से खिड़कियां हैं, चारों तरफ से खिड़कियां लगी हुई हैं, एक दो तीन, यानी तीनों दिशाओं तरफ खिड़कियां, चौथी दिशा में दरवाजा है। आप
मैं यह कह सकता हूं कि अब मैं दोबारा इस तरह के आवास में कभी शायद ही आ पाऊं, चलते टूट जाएगा। अब समाप्त कर दिया जाए वीडियो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।